मॉर्निंग दोस्तों, इंडियन मेड फूम मशीन में आपका तहे दिल से स्वागत। मैं आपका दोस्त महेश पाटिल, पूना। आज का वीडियो बनाने का हमारा जो मकसद है, ये हमारा इंस्टॉलेशन जो रहता है मशीनरी का, ये इसके ऊपर डिपेंड है। हमने हमारे जो एक्सपीरियंस है, एक्चुअली हमारा जो एक्सपीरियंस है हम लोग उसको बता नहीं पाएंगे, क्योंकि लास्ट 30 ईयर से 1996 से हम लोग ये फील्ड में काम कर रहे हैं और दिन ब दिन एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता जा रहा है और नॉलेज भी बढ़ता जा रहा है। तो आज का ये जो वीडियो बनाना जो मकसद है हमारा, हमको जो माइंड में आया हमारे, ये आज वीडियो बनाने की ज़रूरत है। बहुत सारी गलतियाँ जो होती है वो इंस्टॉलेशन में होती है। एक्चुअली मशीन इंस्टॉलेशन जो रहता है वो प्रॉपर अगर किया तो आपके आधे प्रॉब्लम्स उसमें सॉल्व होते हैं, और अगर आपने इंस्टॉलेशन गलत किया तो शुरुआत से ही वो मशीन तकलीफ देना चालू कर देती है। अभी इसमें मैं कार वॉशर की भी बात कर रहा हूँ, हाई प्रेशर मशीन की भी बात कर रहा हूँ, कंप्रेसर का बात कह रहा हूँ, उसके बाद में आपका PU4 जो बोला जाता है हाइड्रोलिक, उसकी भी बात कर रहा हूँ। पहला तो आज का वीडियो में हम लोग सिर्फ PU4 की बात करेंगे, जो हाइड्रोलिक सिंगल सिलेंडर वॉशिंग के लिए जो यूज़ किया जाता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये जो PU4 है ये 7.25 फीट लंबा रहता है, इसका हाइट रहता है, और जो साइज है उसको बिठाने के लिए 4x4 और 8 फीट खड्डा जो खोलाई नीचे ज़मीन के नीचे वो करना पड़ता है। हमारा जो कमीशनिंग रहता है, हम लोग PU4 जो है MS में जो पाइप रहता है, टाटा या जिंदाल, ये कंपनी में हम लोग फिट करते हैं। तो ये फिटिंग करने के लिए जो भी है हमारे इंस्टॉलेशन चार्जेस से, हमने ऐसा एक एक्सपीरियंस लिया है बहुत जगह पे, जिसको कोई नॉलेज नहीं है। मैं किसी एक बंदे का नाम नहीं ले रहा हूँ और किसी की बुराई करने का तो मुझे कोई शौक नहीं है। तो ये जो फिटिंग रहता है, लोगों को सस्ता देने की वजह से बोले तो उनको इंस्टॉलेशन करने रहते हैं, और वो लोगों को बोलते हैं कि हम लोग फ्री में करके दे रहे हैं। मैं आपको एक बता रहा हूँ, ये फील्ड में कोई आपको फ्री नहीं देगा, कोई भी नहीं। अगर आप घर पे काम नहीं कर रहे हो तो घर के लोग भी आपको फ्री का खाना नहीं खिलाएंगे। वो कब तक खिलाएंगे? जब तक आप कैपेबल नहीं हो। उसके बाद भी आप अगर आपको वो संभाल रहे तो वो उनका प्रॉब्लम नहीं, आपका प्रॉब्लम है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ ये वीडियो में कि PU4 में इंस्टॉलेशन कोई भी फ्री नहीं देता है, उसका उसने हिडन चार्जेस लगाया रहता है। क्योंकि तो मेरे बाबत में ऐसे 2-3 केसेस हुए हैं। नया इंस्टॉलेशन अगर मैं बोलूं, हम लोग खुद 15,000 से 20,000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस ले रहे हैं, इंक्लूडिंग पाइपलाइन, सिर्फ ऑयल पाइपलाइन, ऑयल टैंक से हाइड्रोलिक तक जाने वाला। तो इसमें बहुत सारे बंदे लोग बोलेंगे, क्या है सर उसमें फिटिंग करना, खड़ा करना है, उसमें कंक्रीट डालना है, फटाफट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं रहता है। PU4 इंस्टॉलेशन करने के टाइम में आपको पहला जो ध्यान रखना पड़ता है कि कस्टमर का ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम कितने हाइट पे है और उसका स्लोप कैसा है। वो जो स्लोप है वो अगर आपका गलत हो गया तो जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, जो गंदा पानी है, पानी जो धोया हुआ पानी जाना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं जाता है,
ये होगा ड्रेनेज सिस्टम का। सेकेंडली आपकी जगह, कस्टमर की जो जगह है उसको कितना स्क्वायर फीट में हम लोग बिठाना है कम से कम जगह पे, वो हम लोग उसको गाइड करते हैं। उसके बाद में ये जो फ्यू फोर है इसको प्रॉपरली लेवल करके बिठाना, जो ट्यूब रहता है सिलेंडर उसको खड़ा करके इसका लेवल ओलंबा ये सब देख के फिर उसको फिट किया जाता है। उसके बाद ये फिट होने के बाद इसका जो एमएस का पाइप है 1.5 इंच का पाइप, इसको प्रॉपरली फिट लेवल से करना पड़ता है। बहुत सी जगह पे हमने देखा है कि गैलनाइज पाइप 1.5 इंच का वो लगा के फिट करके चालू कर रहे हैं। 1.5 इंच का गैलनाइज पाइपलाइन जो है उसको थ्रेड मारना बहुत ईजी है, डाई से अगर आप हैंड ड्रायर से भी मारेंगे तो भी उसको वो हो जाता है। लेकिन एमएस पाइप जो रहता है हमारा 1.5 इंच का जो पाइप है एमएस में, वो पाइप का थ्रेडिंग मारना ईजी नहीं है। तो वो गलती जो है लोग कर रहे हैं, उसमें कस्टमर को भी इजी हो जाता है, क्योंकि क्या होता है एमएस का पाइप बहुत महंगा है। एमएस पाइपलाइन अगर करने जा रहे हो आप हाइड्रोलिक में तो 10,000 रुपया आपका उसमें खर्चा जाता है मटेरियल का। बोले तो पी फोर जो है उसके इंस्टॉलेशन में जो हिडन कॉस्ट है वो 3 आते हैं। पहला हिडन कॉस्ट है उसका ऑयल, 180 से 200 लीटर इसमें ऑयल बैठता है, हाइड्रोलिक ऑयल 68 ग्रेड। सेकेंडली इसका जो पाइपलाइन है, बोलो तो ये ऑयल का पहला कॉस्ट बोलता हूँ मैं, ऑयल का ऑन एवरेज 25 से 30 हज़ार रुपये इसका खर्चा आता है। ऑयल का कीमत 120-125 रुपये पर लीटर ऑयल है, तो 125 × 200 भी पकड़ेंगे तो 25,000 का ऑयल हो जाता है। सेकेंडली इसका पाइपलाइन जो है एमएस का वो करीबन 20 फीट का पाइप इसको लगता है, सब हार्डवेयर फिटिंग लगा के उसकी ऑन एवरेज कॉस्ट जाती है 10,000 रुपये। और थर्ड वाला जो हिडन कॉस्ट है वो है इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है हमारे पूना में हम लोग बता रहे हैं साइट के हिसाब से 15 से 20 हज़ार रुपये इसको इंस्टॉलेशन चार्जेस लिए जाते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपका रहता है, जो भी गवंडी का हिसाब रहता है वो आपका रहता है। 4x4 8 फीट सोलिंग करके नीचे पीसीसी करके ये फिटिंग है। तो पीयू फोर के लिए जो ये इतने हिडन कॉस्टेस लगते हैं, लेकिन जब आप नया लेने जाते हो तो सप्लायर आपको ये हिडन कॉस्ट के बाबत में बाद में बताता है। उसका काम जब तक नहीं होता है बेचने का, उसके बाद में ये चालू हो जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, सप्लायर और कस्टमर इनमें फिर अनबन चालू हो जाती है। मेरा एक लास्ट हफ्ते का ये एक्सपीरियंस है, कस्टमर ने PU4 बेचा, कस्टमर ने PU4 लिया, सप्लायर ने बेचा, और फिर वो इंस्टॉलेशन करने के लिए मुझे बोला गया। जब मैं कस्टमर के पास जाने के पहले फ़ोन किया तो कस्टमर ने बोला सर वो सब कुछ है आ गया है, आप सिर्फ फिटिंग करना है। मैंने बोला पाइपलाइन नहीं, बोले वो तो आप लेके आओगे। फिर हमने सप्लायर से बात किया तो सप्लायर बोले नहीं पाइपलाइन तो अपने स्कोप में नहीं है। तो ये ऐसे छुपाए जाते हैं और गलत सिस्टम से बेचे जाते हैं। मेरा क्वेश्चनिंग दोनों के ऊपर नहीं है, अंडरस्टैंडिंग जो रहता है कस्टमर और सप्लायर इनमें ये होना चाहिए, तो ये नहीं होता है और फिर ये तकलीफ कंपैरिजन के बाबत में होती है। सेकेंडली प्राइस जो रहता है वो भी कंपैरिजन हो जाता है, सामने वाला क्या दे रहा है आपको, सामने वाला आपको मर्सिडीज बेंज दे रहा है या टाटा नैनो दे रहा है। मैं दोनों का ही ये नहीं कर रहा है बुराई, कॉस्ट वाइज अगर मर्सिडीज बेंज में फैसिलिटी है तो उसका प्राइस बढ़ता है, सेम नैनो में फैसिलिटी कम थी इसलिए उसका प्राइस कम था। तो यही फंडा है,
तो आप पहले सप्लायर से कंपैरिजन के बाबत में बात कीजिए, कंपेयर कीजिए, नो डाउट आप अपना खुद का जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा रहता है वो आपका वेस्टेज नहीं हुए, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन इसके पहले आप कंपैरिजन करने के पहले आप कौन सा मशीन ले रहे हो वो एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है P4 जो है हाइड्रोलिक, इसमें फ्रीलांसिंग हमारे जैसे बहुत सारे हैं। मेन कंपनी LG ATS है, उसके बाद में बहुत सारी कंपनियां हैं उसको बनाने वाले, लेकिन सबसे जो स्ट्रांग और बेटर मशीन जो दिख रहा है मेरे लाइफ में, हमने LG ATS का एक P4 जो है उसका क्वालिटी बहुत बढ़िया है। आज के दौर में उसका जो कॉस्ट है 1,75,000 उसका बेसिक कॉस्ट है, तो वो हिसाब से ही कंपैरिजन कीजिए आप। और P4 बिठाने के लिए आपको 5 HP का मिनिमम कंप्रेसर लगता है, बहुत सारी जगह पे हमने देखा है कि 3 HP का कंप्रेसर लगाया गया है, तो 9 CFM और 15 CFM बहुत सारा फर्क है, तो वो एक है। तो यही एक बताना था ये वीडियो में, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।